देश में पहले से ही प्याज से आम लोग परेशान थे, लेकिन अब महंगाई दर जो है यानी खुदरा महंगाई दर 3 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। मैं यहाँ पर जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए मेरे हाथ में चीनी है जो 1 किलो का है और इसका रेट करीब 45 रुपये प्रति किलो है। यह चूरा है और यह 0.5 किलो का पैकेट है और इसका रेट 50 रुपये प्रति किलो है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भी सामान है जो उसको हम रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, यह अरहर का दाल है, यह करीब 140 रुपये प्रति किलो है। इसी तरीके से अगर मसूर दाल की बात करें तो यह 100 रुपये प्रति किलो है। इसी तरीके से अगर हम सरसों तेल जो एक तरीके से कहें तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो 140 रुपये प्रति किलो है। इसी तरीके से हर चीज़ों का जो दाम है जो हम रोज़ अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं सभी चीज़ों का दाम जो है वह बढ़ चुका है और इसीलिए 3 साल में महंगाई दर जो है वह सबसे ज़्यादा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए कि महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, जो भी खाने पीने का जो सामान है जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं क्या कहेंगे? अभी फ़िलहाल इस साल में देखा जा रहा है कि महंगाई दर सबसे ज़्यादा है। हम जो लास्ट ईयर खा रहे थे या उससे बिफोर हम अपना या पिछले महीने पिछले महीने भी अगर ये एक चेन है बेसिकली, क्योंकि हम परेशान होते हैं इस महीने, बहुत परेशानी है इस मामले में क्योंकि हमारा बजट हर बार चेंज करता है। हम लोग रेगुलर वर्कर्स हैं, कहीं से फ्लो ऑफ मनी नहीं आता है, हमारा मनी कांस्टेंट होता है। गवर्नमेंट उस ढंग से अगर आपका दर बढ़ रहा है खुदरा दर तो हमारा दर बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम वहीं स्टैग्नेंट हैं। और रेट किन चीज़ों का दाम बढ़ा है? डेली यूज सामान का सबसे ज़्यादा, जैसे अनाज, ग्रेन्स, चीनी, चावल, आपको पता नहीं चलता है, 2 रुपये 4 रुपये करके बढ़ जाते हैं। आप ऐसा कोई ट्रेल नहीं रखते, आप उसके पीछे नहीं जाते हैं कि उसका ट्रेल है, एंड लेटर ऑन आप रियलाइज करते हैं जब फाइनल बजट आता है तो उसमें काफ़ी शिफ्ट हो जाता है। 20% का शिफ्ट इसी मंथ में देखा जा रहा है। तो सरकार से कोई डिमांड अपील? डिमांड है इस चीज़ पर कर्ब लगाएं सरकार, और हमारा बेसिक जो जीवन का मोल बेसिक चीज़ है वो है फूड। अगर कंट्रोल रहा तो कभी जनता हरदम ही खुश रहेगी, कभी नाराज रहने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ तो लग्जरी है। तो बिल्कुल, यह आम लोगों की परेशानी है। इनका कहना है कि हमारा जो बेसिक नीड है यानी फूड, कम से कम उसके जो दाम है वह कंट्रोल में रहना चाहिए, तभी जो है आम लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी और आम लोग परेशान नहीं होंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।